हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ये पार्ट वन है, मैं इसके बहुत सारे पार्ट्स बनाऊंगा और इन डेप्थ में डिस्कस करूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात आती है कि डिफरेंस क्या है वेदर और क्लाइमेट में। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और क्लाइमेट चेंज क्या चीज़ है। देखिए, वेदर जो होता है वो होता है बहुत ही शॉर्ट टर्म, ठीक है, और बहुत ही लोकल होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस टाइम आगरा में रहता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए अभी आगरा का टेम्परेचर यहाँ पे अभी 24 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और एक साइड है हमारा कश्मीर, मान लीजिए कश्मीर में टेम्परेचर है अभी -1 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आप डेली बेसिस पे देखते हैं कि आगरा का टेम्परेचर मंडे को 24 है और ट्यूसडे को 24.5 है, वेडनेसडे को फिर 26 हो गया, और कश्मीर का आप देख रहे हैं कि अभी -1 डिग्री है, अगले दिन 0 डिग्री हो गया, अगले दिन +1 हो गया। तो ये क्या है जो आप डेली बेस पे देखते हैं ना, मंडे से लेके संडे तक जो आप देख रहे हैं टेम्परेचर डेली बेसिस पे, इसे बोलते हैं वेदर। जैसे हम बोलते हैं कि आज बड़ी गर्मी है, आज बड़ी सर्दी है, तो ये जो हम बोलते हैं आज बड़ी गर्मी है, आज बड़ी सर्दी है, ये वेदर है। ये वेदर का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब बात आती है क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है। क्लाइमेट जो होता है वो हम देखते हैं बहुत लंबे टाइम स्पैन में उस एरिया का वेदर कैसा है, ठीक है। अब बहुत लंबे टाइम स्पैन से मेरा मतलब क्या है, हजारों साल, ठीक है, हजारों साल से उस एरिया का क्या वेदर रहा है, उसका जो एवरेज होता है उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। तो समझ रहे हैं आप, जैसे कि अगर हम देखें हजारों साल से, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, लास्ट थाउजेंड ऑफ इयर्स से मान लीजिए हमने राजस्थान का देखा, हजारों पिछले हजारों साल में राजस्थान का हमने देखा जो एवरेज वेदर है, जो एवरेज टेम्परेचर है राजस्थान का, वो रहता है मान लीजिए अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, पिछले हजार साल में जो एवरेज टेम्परेचर है राजस्थान का वो क्या है, 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो है वार्म, गर्म है, ठीक है। तो जब ये ध्यान रखिए, जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हजारों साल की, ठीक है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये होता है लॉन्ग टर्म, क्लाइमेट इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म, और बहुत लंबे टाइम स्पैन का जो टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से क्लाइमेट डिसाइड होता है। वेदर होता है शॉर्ट टर्म, रोज का, आज गर्मी है, आज सर्दी है, आज ठंडा है, आज गर्म है। तो जब हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो हम बात करेंगे वेदर की, ठीक है, और जब हम बात करेंगे 100 साल, हजारों साल की, जब हम बात करते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की, तब आता है क्लाइमेट, ठीक है। तो पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं आइस एज पे। अब आइस एज की जरूरत क्यों पड़ रही है, देखिए पहले तो बता दूं मैं एक चीज होती है एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। फिलहाल अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, अर्थ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। अर्थ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। देखिए अर्थ पे हर तरह की जगह हैं, अर्थ पे बहुत गर्म जगह भी हैं, अर्थ पे बहुत ठंडी जगह भी हैं, ठीक है। अगर मैं गर्म जगह का एक एग्जांपल लूँ, मैक्सिमम अगर बात करूँ तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर अभी तक अर्थ पे रिकॉर्ड किया गया है वो रिकॉर्ड किया गया 89 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये कहाँ रिकॉर्ड किया गया है, ईरान में, ठीक है। अब ठंडे की बात करूँ तो जो मैक्सिमम ठंडा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो रिकॉर्ड किया है -87 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, वो रिकॉर्ड किया गया अंटार्कटिका में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी रेंज है, मैक्सिमम टेम्परेचर अर्थ पर रिकॉर्ड किया गया है 89 डिग्री के आसपास, और जो सबसे ठंडा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो रिकॉर्ड किया गया है, मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है -87 डिग्री के आसपास। तो ये तो है मैक्सिमम और मिनिमम, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट जो अर्थ पे रिकॉर्ड किया गया है। अब इसके बीच में बहुत सारी और भी टेम्परेचर्स हैं, ठीक है, जैसे इंडिया का एवरेज टेम्परेचर है, अमेरिका का एवरेज टेम्परेचर है, तो ऐसे वर्ल्ड में 190 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो 190 कंट्रीज़ का अगर सबका हम एक एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं सबका, ठीक है, तो एक एवरेज टेम्परेचर हमने निकाल लिया इस तरीके से, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है
15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। फिलहाल जो अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब अगर हम बात करें आइस एज की, ठीक है, अब पहले तो देख लें एक जरा आइस एज होती क्या है। देखिए आइस एज, ये जो हमारा अर्थ है ना, ये एक साइकिल्स में चलता है, ठीक है। आइस एज में क्या होता है, एक साइकिल चलती है, कुछ टाइम तक बिल्कुल ठंडा रहेगा, एकदम बर्फ पड़ी रहेगी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक आइस एज है, ठीक है। हर तरफ, चारों तरफ एकदम बर्फ है, सब तरफ बर्फ ही बर्फ है। आपने मूवीज में भी देखा होगा, आइस एज एक मूवी भी आप देख सकते हैं, तो उसमें चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैल जाती है, पूरा जो अर्थ है उसका सरफेस एकदम बर्फ से ढक जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आइस एज का पीरियड, ठीक है। तो ये तो होता है आइस एज का पीरियड, जिसे हम बोलते हैं एक तरीके से कूलिंग पीरियड, ठंडा एकदम पीरियड हो गया। अब उसके बाद एक आता है वार्म पीरियड, ठीक है, फिर एकदम से वापस आता है आपका ठंडा पीरियड, फिर ये दोबारा इसे स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे कूलिंग पीरियड। तो अर्थ इस तरह से एक साइकिल में चलती है, ठीक है। अर्थ पहले एक ठंडा पीरियड आएगा आइस एज, फिर गर्म पीरियड आएगा, फिर एक ठंडा पीरियड आएगा। अभी फिलहाल हम इस टाइम पे हैं, जो अभी हम 21st सेंचुरी में हम जो जी रहे हैं, इस टाइम पे हम लोग कहाँ पे हैं, हम अभी वार्म पीरियड में चल रहे हैं। अभी टेम्परेचर क्या है अर्थ का सरफेस का, मैंने आपको बताया 15 डिग्री सेल्सियस। आइस एज के टाइम पे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, आप क्या समझते हैं? हार्डली 10 डिग्री सेल्सियस था, आप समझ रहे हैं? अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर था वो था 10 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस। और ये टाइम पीरियड कितना है, ये जो लास्ट हमारी आइस एज हुई है और अभी जिस पीरियड में हम चल रहे हैं, बहुत बड़ा टाइम पीरियड का डिफरेंस है, 50,000 से लेके 1 साल, 1 लाख साल। मतलब 50,000 से लेके 1 लाख साल के टाइम पीरियड में जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस। आप समझ रहे हैं? देखिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आइस एज आती है, कूलिंग पीरियड होता है, फिर एक वार्म पीरियड होता है, ये कूलिंग पीरियड है, ये वार्म पीरियड है, फिर आ जाएगा कूलिंग पीरियड। अभी हम कहाँ हैं, अभी हम यहां पे हैं इस टाइम में और इस टाइम में, ठीक है। आइस एज कैसी होती है, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, चारों तरफ पूरी अर्थ बर्फ से ढक जाएगी। इस अभी हमारे टाइम एवरेज टेम्परेचर क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ का 15 डिग्री सेल्सियस। कूलिंग टाइम पे, जब कूलिंग टाइम था हमारा लास्ट आइस एज, तो कितना टेम्परेचर था, 10 डिग्री सेल्सियस। कितना डिफरेंस था, सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस का, 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है टेम्परेचर वाइज। बट अगर मैं टाइम वाइज देखूँ, इस एज में और अभी कूलिंग एज में और जो अभी प्रेजेंट में एज चल रही है वार्म एज, टाइम का कितना डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस है 50,000 से लेके 1 लाख साल। तो आप समझ रहे हैं, पिछले 50,000 से लेके 1 लाख साल में अर्थ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर चेंज हुआ है, सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ है। तो इतना स्लो चेंज होता है, जब नेचुरली होता है चेंज, ठीक है, जब नेचुरली होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि पिछले 1900 से लेके अभी तक, ठीक है, ये जो टेम्परेचर चेंज होता है ना अर्थ का, वो हजारों हजारों साल, हजारों साल, लाखों साल में जाके चेंज होता है, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होने में भी बहुत टाइम लगता है, हजारों हजारों साल लगते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, 1900 से लेके 2017 के टाइम पीरियड के बीच में अभी तक हमारा टेम्परेचर अराउंड 0.9 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि नेचुरल नहीं है। क्योंकि जब हम नेचुरल वे की बात करते हैं, तो देखिए नेचुरल वे में 50,000 से 1 लाख साल लगते हैं 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने में, लेकिन अभी 1900 से लेके 2017 में इतना ही टाइम पीरियड के गैप में, कितना टाइम पीरियड गैप है, हार्डली 117 साल। पिछले 117 साल में अराउंड 1 डिग्री के आसपास सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अब ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये हमारी ही वजह से हुआ है, ठीक है। अब ये हमारी वजह से कैसे हुआ है, हमने इसको कैसे किया है, ये मैं आगे की वीडियोस में डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, यही चीज़ ग्लोबल वार्मिंग है, कि हमने अर्थ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो हमने बहुत जल्दी बढ़ा दिया है, ठीक है। नेचुरली इतनी जल्दी नहीं बढ़ता, हमने सिर्फ 100 साल के अंदर, 117 साल के अंदर राउंड अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया है, जो कि बढ़ना चाहिए था हजारों हजारों साल में जाके, ठीक है। तो यही है ग्लोबल वार्मिंग, इसी को हम बोल देते हैं क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
ठीक है, जो कि नेचुरल नहीं है, ठीक है, दैट इज दिस इज अननेचुरल, क्योंकि वो ह्यूमंस की वजह से हुआ है, ऐसा नेचुरली नहीं हुआ। नेचुरली हजारों लाखों साल में जाके 1 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस चेंज होता है अर्थ का सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। अब देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जैसे मैंने आपको बता दिया है, देखिए इंक्रीज ऑफ 1 और मोर डिग्री सेल्सियस इन अ पीरियड ऑफ 1 to 200 ईयर्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि पिछले 1900 से लेके 2017, सिर्फ 117 साल के अंदर अराउंड 0.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, ठीक है। यही है ग्लोबल वार्मिंग, कि इतनी जल्दी चेंज हो गया जो होना नहीं चाहिए था, ठीक है। सिर्फ 1906 से लेके 2006 तक का अगर टेम्परेचर इंक्रीज देखते हैं तो 0.74 डिग्री सेल्सियस हुआ है, ठीक है। अगर आगे के 2006 से लेके, ये तो 1906 से लेके 2006 तक का है, अगर हम इसको आगे तक ले जाऊं 2017 तक, इसको टाइम को वो कर दूं एक्सटेंड, तो 0.9 डिग्री सेल्सियस तक हो चुका है, ठीक है। फिर मैंने जैसा कि आपको बताया था, इट कैन टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू वार्म अप और कूल डाउन जस्ट 1 डिग्री when it happens naturally, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, naturally नहीं हुआ, हमारी humans की वजह से ये जो temperature change है बहुत speed up हो गया है, बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है, ठीक है। फिर वो चीज़ दी हुई है इसमें, और ये हुआ क्यों है, humans की वजह से। humans की वजह से क्यों हुआ है, ये हुआ है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसके बारे में इन डेप्थ में अगले वीडियोज में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे ये ग्लोबल वार्मिंग हुई है, ह्यूमंस ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरऑल जिस्ट दे रहा हूँ कि क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अच्छा, ये और देख लीजिए, पिछले 136 साल में, मतलब जब से हमने ह्यूमंस ने रिकॉर्ड करना शुरू किया है टेम्परेचर को, 136 साल में जो वार्मेस्ट ईयर रहे हैं, ठीक है, वो 2001 से ही रहे हैं, ठीक है। 16 ऑफ द 17 वार्मेस्ट ईयर, मतलब जब से, जो मतलब एक तरीके से मोटा मोटा बोलूँ तो पिछले जो 16 साल हैं, ठीक है, 16-17 साल हैं, इसी में सारे के सारे वार्मेस्ट ईयर आ गए हैं, ठीक है। मतलब अभी तक का जो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया वो पिछले 16 साल में रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। और अर्थ पे जो अभी तक का सबसे वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्ड किया गया, सबसे हॉटेस्ट ईयर रिकॉर्ड किया गया है, वो है ईयर 2016, 2016 अर्थ का सबसे हॉटेस्ट ईयर था, ठीक है। और ये सारे के सारे जो मैंने फैक्ट्स लिए हैं, मैंने नासा की वेबसाइट से लिए हैं, ऐसा नहीं कि मैं खुद से कुछ बना के बोल रहा हूँ, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, मैंने कमेंट सेक्शन में रेफरेंसेज में लिंक दिया है, ठीक है। उसके बाद नवंबर 2017 थर्ड वार्मेस्ट नवंबर रिकॉर्ड किया गया है, थर्ड वार्मेस्ट नवंबर, ठीक है, अभी तक का सबसे, मतलब अर्थ का सबसे थर्ड वार्मेस्ट नवंबर है नवंबर 2017। और लगातार आप देख सकते हो इसमें दिया है कि जो लास्ट 3 नवंबर्स हैं 2015, 2016, 2017, ये सब क्या हैं, 3 वार्मेस्ट इन द एंटायर मॉडर्न रिकॉर्ड, जब से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा गर्मी वाले जो नवंबर हैं वो 2015, 16, 17 में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, बहुत सारे साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ होती है। अभी यूएस में जो प्रेसिडेंट है उनके, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्लाइमेट चेंज की एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिससे उन्होंने बैकआउट कर लिया है, उन्होंने वो मानते ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ होती है। उससे पहले जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उन्होंने काफ़ी जो डील हुई थी कि क्लाइमेट चेंज की, उसमें उन्होंने माना था कि क्लाइमेट चेंज होता है और सारी कंट्रीज को एक्शंस लेने चाहिए क्लाइमेट चेंज के लिए। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने बोला कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ नहीं है और हमें यूएस को कोई ज़रूरत नहीं है एक्शन लेने की इस चीज़ के लिए, ठीक है। कैसे ये सब हुआ है अग्रीमेंट, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इन डेप्थ में बात करूँगा कि कैसे उन्होंने क्या बोला, पहले बराक ओबामा का क्या स्टेटमेंट था, बाद में ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट दिया है, और क्यों ज़रूरत पड़ी है इस तरह के एग्रीमेंट्स की। अभी ये देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं, काफ़ी सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो मानते ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। 97% जो साइंटिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एग्री करते हैं, ठीक है। 97% जो साइंटिस्ट हैं वो मानते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं, जैसे मैंने बोला, कुछ साइंटिस्ट 3%, 4% साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ ही नहीं है, क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, ये अर्थ का एक नेचुरल साइकिल है कि अर्थ गर्म हो रहा है फिर ठंडा होगा, गर्म होगा ठंडा होगा, तो वो कहते हैं कि नेचुरल साइकिल है, ठीक है। लेकिन फिर देखिए, ये सामने हमारे पास डेटा है, डेटा क्या कह रहा है, देखिए 1890 से के आसपास से जो टेम्परेचर चेंज हुआ, ये देखिए कंटिन्यूसली अर्थ का सरफेस टेम्परेचर बढ़ा है, ये देखिए, ठीक है। मैंने आपको बोला है ना
कि 1890 से लेके अगर आप 2017 तक का टेम्परेचर चेंज देखेंगे, अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है, जब हम बात करते हैं टेम्परेचर चेंज की तो हम अर्थ के सरफेस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना बढ़ गया। तो 2090 से लेकर 2017 तक अर्थ का सरफेस टेम्परेचर राउंड 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ठीक है, ये साफ साफ देखिए ग्राफ में ये चीज़ नज़र आ रही है, डेटा दिखा रहा है आपको, ये नासा की वेबसाइट से लिया गया डेटा। तो ये बिल्कुल मान के चलिए कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 97% ऑफ द साइंटिस्ट वर्ल्ड में एग्री करते हैं इस चीज को। अब ये एक वीडियो है, मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हुआ है 1880 से लेके 2016 तक। ये देखिए ब्लू कलर जो आप दिखाई दे रहा है आपको, ब्लू कलर पूरा ये ठंडा एरिया है। देखिए कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है बहुत तेजी से। येल्लो का मतलब गर्मी हो गई है, ठीक है, ब्लू का मतलब ठंडा था। तो देखिए नीचे नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, 19 ये ईयर के नंबर हैं। एक बार मैं दोबारा प्ले कर देता हूँ, ठीक है, तो आप दोबारा देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ब्लू था, ब्लू मतलब ठंडा है, और एकदम से येल्लो होता जा रहा है, चेंजेस आ रहे हैं जैसे जैसे साल नीचे बढ़ रहे हैं, एकदम से पूरी अर्थ अब येल्लो हो जाएगी जब हम 2017 तक पहुंचेंगे। देखिए किस तरीके से येल्लो हो गया, तो ये साफ ये भी एक एविडेंस है कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, अब ये इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, हर जगह जो भी नॉर्थ पोल है साउथ पोल है सब जगह बर्फ पिघलती जा रही है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बर्फ पिघल रही है। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से वाई एक्सेस पे, देखिए ये पूरा ग्राफ है, और एक्स एक्सेस पे 1980 से लेके 2015 तक का ग्राफ है, किस तरीके से कंटिन्यूसली आप देखेंगे वीडियो में आइस का जो लेवल है वो फॉल हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, देखिएगा किस तरीके से ये इस तरीके से नीचे की तरफ ये जाएगा। तो देखिए किस तरीके से जो बर्फ है वो कम होती जा रही है जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है। ये येलो कलर का जो मार्क है ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा, किस तरीके से कंटिन्यूअसली बर्फ कम होती जा रही है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और आर्कटिक जो ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल पे जो आर्कटिक पूरा जो एरिया है वहां पे बर्फ कम हो रही है, कंटिन्यूअसली ये ग्राफ में दिख रहा है हमें, यहाँ पे कंटिन्यूअसली ये बर्फ कम होती गई है। फाइनली ये सामने पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर अलास्का की है, अलास्का कनाडा के ऊपर है, मैप में देखेंगे नॉर्थ पोल के पास है। तो देखिए ये पिक्चर ली गई थी 1941 में, ठीक है, और ये पिक्चर ली गई है 2004 में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो ये देखिए क्या हुआ, पहले उस टाइम पे अलास्का में देखिए ये पूरे एरिया में बर्फ ही बर्फ है, पूरा स्नो है, पूरा स्नो, लेकिन अब क्या हुआ टेम्परेचर बढ़ गया है तो देखिए ये स्नो गायब हो गई है और सब जगह पानी पानी आ चुका है। ठीक है, बर्फ पिघल चुकी है, तो आप देखिए कितना बड़ा फर्क आ चुका है 1941 से लेके 2004 तक, सारी बर्फ गायब हो चुकी है, तो पूरा का पूरा जो पिक्चर है सिनेरियो है वो ही चेंज हो चुका है। ठीक है, ये अलास्का का फोटो है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, अगले वीडियोज में मैं इन डेप्थ में बात करूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से हो रही है, मतलब ह्यूमंस ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक सकते हैं। ठीक है, पर्सनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कि जिससे ग्लोबल वार्मिंग रुके। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इंडिया में जो अवेयरनेस की बहुत कमी है, लोगों को एक सिंपल और ईजी लैंग्वेज में लोगों को इस तरह की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल सके। हैव अ नाइस डे गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।